बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज हम ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर स्लीव्स बनाएंगे। ये स्लीव जो है इसको बेल स्लीव भी कहते हैं। बेल स्लीव्स की एक डिज़ाइन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। वो मैंने थोड़ी अलग स्टाइल से बेल स्लीव बनाई थी और ये मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बेल स्लीव बना रही हूँ। इसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। मैं एक साथ दो स्लीव्स बना रही हूँ, जैसे कि एक साथ मैं दो स्लीव निकालूंगी, तो इसके लिए ये मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है, तो ये हमारी दोनों आस्तीनें जो हैं वो एक साथ निकलेंगी। तो सबसे पहले हम अपने स्लीव्स का लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जो है हमारी स्लीव्स की है वो हमें फुल स्लीव्स रखनी है, तो हम अपनी जो स्लीव्स की लंबाई है रखेंगे 20 की जो है तैयार स्लीव है, तो इसमें मैं 2 इंच जमा करूंगी ताकि सिलाई और ओटी वगैरह में हमें कपड़ा कम ना हो जाए। ये देखें, 22 इंच की मैंने लंबाई रखी है और यहाँ पे मैं एक निशान मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हम पहले इस कपड़े को निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई जो है निकाल ली है स्लीव्स की। अब यहां से मैं रखूंगी 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच का यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं रख रही हूँ तकरीबन 3 इंच का। अब मैं यहाँ से इसको गोलाई का शेप दूंगी स्लीव्स को, इस तरीके से। अब जो हमारी बेल स्लीव्स है इसकी बेल जो है हम यहाँ तक रखेंगे तकरीबन 8 इंच तक। तो एक निशान मैं यहाँ लगाऊंगी। यहाँ निशान लगाने के बाद इसी लाइन में ये देखिए इस तरीके से एक और निशान यहाँ लगा देती हूँ 8 इंच का, और इसको मैं पहले लाइनिंग दे देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से, अब ये 8 इंच का जो निशान है ये हमारा स्लीव्स की जो डिज़ाइन है वो होगा, यानी कि जो बेल की शक्ल की जो हमारी बनेगी स्लीव ये उसका हिस्सा है। अब यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन 7 इंच, यानी कि 7 इंच। ये देखिए इस तरीके से, अब हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से लाइनिंग करेंगे। अब इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बेल स्लीव का जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको कटिंग करते हैं। हाँ ये देखें, ये इस तरीके से हमारी जो बेल स्लीव्स की कटिंग है वो हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेते हैं, बराबर करेंगे थोड़ा कपड़े को, इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसको थोड़ी सी डिज़ाइन देंगे, थोड़ा लेस वगैरह लगाएंगे। ये तो मेरे पास स्लीव्स हैं और इसके ऊपर मैं
ये कमीज़ की जो मेरे पास इसकी कटिंग पड़ी हुई है साइड की, उसकी मैं थोड़ी सी इसमें डिज़ाइन दे दूँगी। तो इसके लिए मैं दोनों स्लीव्स के लिए एक साथ पट्टियों की कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, ये जो हमारा साइड का कपड़ा बचता है कमीज़ का, ये वो कपड़ा है। आप इसको इस्तेमाल करके खूबसूरत सी डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें हम एक छोटी सी साइज़ की फ्रिल निकालेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये वाला कपड़ा मैंने लिया है, ये इस तरफ इसमें ओटी जैसे कोर बनी हुई है, तो इसको हम बिल्कुल पतला से इस तरीके से मोड़ के इस्तेमाल करेंगे और फ्रिल बनाएंगे। तो अब हम इसकी, ये देखें, अब हम इसको रखते हैं तकरीबन 2.5 इंच का, 2.5 इंच की हम पट्टियाँ काट लेते हैं चौड़ाई की, और लंबाई जो है वो जितनी आपको अच्छी फ्रिल रखनी हो या आपके पास जितना कपड़ा हो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं ये कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ साइड का, तो जितना निकलता है मैं उतना निकाल लूँगी इस तरीके से। आप जो है बचे हुए कपड़े से अच्छे अच्छी डिज़ाइनें बना सकते हैं और अपने ड्रेस को ज़्यादा खूबसूरती दे सकते हैं। अब देखें यहाँ तक निकल रही है पट्टी, तो फिर अब मैं यहाँ तक इसको ख़त्म कर देती हूँ, और इतनी लंबी पट्टी जो है काफ़ी होगी। अब मैं इसको यहाँ से काट लूँगी और दोनों पट्टियाँ हमारे पास एक साथ निकल आएंगी। अब ये मेरे पास दो पट्टियाँ निकल आए हैं, हम एक आस्तीन बनाएंगे। तो ये मैं एक पट्टी ले रही हूँ। अब ये जो पट्टी है इसको मैं, ये तो इसको मैं एक साइड पे इतना पतला पतला मोड़ के सिलाई करूँगी, और एक साइड पे मैं बड़े नंबर की सिलाई करके इसको प्लेट्स दूँगी, और फिर हम इसको अपनी स्लीव में अटैच करेंगे, और फिर इसके ऊपर थोड़ी लेस वगैरह लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत हमारी जो है वो स्लीव बन जाएगी। तो चलें अब अपना स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। व्यूज, सबसे पहले हमने जो ये फ्रिल के लिए पट्टी निकाली है उसको हम एक साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अगर आपका इस तरीके से कपड़ा नहीं है ओटी का, तो आप इस तरीके से डबल करके ओटी बना लें। हम यहाँ से एक फोल्ड करके सिलाई करेंगे। अब ये जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम बड़े नंबर की सिलाई कर लेंगे। पहले थोड़ा धागा बड़ा छोड़ेंगे।
यहाँ से भी धागा हम थोड़ा बड़ा छोड़ेंगे। अब हम इसमें से एक धागे को निकाल के इस तरीके से हम धागे को खींच लेंगे तो ये फ्रिल जो है हमारी बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से हमने फ्रिल बना ली है। हम इसको थोड़ा सा सेट भी करेंगे। पहले हम आस्तीन में ओटी बना लेते हैं। नीचे की साइड पे हम इसको इस तरीके से ओटी बनाएंगे। ओटी बनाने के बाद अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा वहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगाने से पहले हम यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल सही लाइन में हम अपनी फ्रिल को लगा सकें। देखिए इस कट तक हमने ये लाइनिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रिल को इस लाइन के बराबर करेंगे और यहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये देखे हुए इस तरीके से हमने अपनी जो फ्रिल है इसके ऊपर लगा ली है।
इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये लेस है, इस लेस को हम यहाँ पे इसके ऊपर लगाएंगे तो ये जो धागे वगैरह निकल रहे हैं कपड़े के वो भी इसके अंदर जाम हो जाएंगे। देखिए, और ये पूरी खूबसूरत सी सेटिंग इसकी हो जाएगी। इस पर एक और भी सिलाई लगेगी क्योंकि ये थोड़ी लेस है, बड़ी है, इसको यहाँ से एक और सिलाई लगा के हम बिठा देंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने अपनी लेस जो है अटैच कर ली है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस कोने को हम इस तरीके से यहाँ पे मोड़ देंगे। यहाँ तक इस तरीके से सिलाई करने के बाद हम इसको जिस शेप में हमने आस्तीन काटी है उसी शेप में हम इसको घुमा देंगे कपड़े को, और यहाँ से इस तरीके से सिलाई होगी। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा। इसके बाद हम अपने स्लिप को सीधा करते हैं। ये देखिए, अलग लुक के साथ ही तैयार है। देखिए, एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम काट देंगे। देखिए, ब्यूटीफुल सी स्लीव्स हमारी तैयार है। अगर आप यहाँ की जो ये नोक है इसको ज्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा बड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा। आप जितना यहाँ से बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। इस चीज़ की फिटिंग का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, और बाकी ये जो हिस्सा है इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें व्यूज, हमारी ब्यूटीफुल सी स्लीव्स तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।